हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो गाइज, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फैक्स और ईमेल, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलेक्स एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फैक्स। फैक्स को हम फैक्स ईमेल भी कह देते हैं। तो बेसिकली ये एक मशीन होती है जिससे हम जो हमारा स्टैंडर्ड साइज जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो हमारा लेटर साइज का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम 4 मिनट में एक मशीन से दूसरी मशीन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें टेलीफोन लाइन का यूज़ किया जाता है और ये स्पीडीएस्ट सिस्टम है जो आजकल अवेलेबल है, जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेपर को, सिग्नेचर वाले पेपर्स हो गए या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए। अभी भी ये कोर्ट में और कई जगह ये यूज़ अभी भी किया जाता है। तो ये हमने फैक्स के बारे में पढ़ा, आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। तो नंबर वन जो इसका एडवांटेजेस वो आ जाएगा, फैक्स करने के लिए सिर्फ आपको एक फैक्स और एक टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है, और ये काफ़ी ईजी है फैक्स करना लेटर, उसके बजाय हम जैसे फ़ोन पे डिक्टेट करें। और ये काफ़ी फास्ट है, सिर्फ टेलीफोन प्रोवाइडर पे आपको डिपेंड होना है, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती फ़ोन कॉल जो होती है हमारी पर मिनट की, और रिसीवर पार्टी के पास फिज़िकल पेपर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। नंबर वन है, हमें स्पेस चाहिए मशीन के लिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और पेपर चाहिए रिसीविंग एंड सेंडिंग फैक्स। ठीक है, मशीन को हमेशा रिसीव करने होते हैं फैक्सेस, और बट अगर मशीन बंद होगी तो हम जो फैक्सेस हैं वो लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज चाहिए होगी हमें, प्रिंट मतलब जो भी हमें पेपर्स है उसको स्टोरेज की हमें नीड होगी। तो ये मैंने आपको ये एग्जांपल है फैक्स का, ये वैसे एग्जांपल आता नहीं है फैक्स के, पर फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम फैक्स लिखते हैं, और मतलब इस तरीके से ये फैक्स होता है। तो ये एक तरह का सैम्पल फैक्स है। और अब हम करेंगे ईमेल। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है और ये काफ़ी आजकल पॉपुलर भी है। हमें कोई भी चीज़ मेल करनी होती है तो हम इंटरनेट के थ्रू हम कर देते हैं, एक डिजिटल ऑथर से मोर रिसिपिएंट से। ये बिज़नेस पे काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर जो ऑथर है वो एक और मोर रिसिपिएंट को अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो ईमेल के ज़रिए दे सकता है, और ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है और इजी टू यूज़ है, फास्ट है। लैंग्वेज जो ईमेल में होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, और इसमें पेपर नहीं यूज़ होता बेसिकली, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गए, जिससे जो ट्रीज़ है वो कट नहीं होंगे, कम से कम ट्रीज़ कट होंगे, और इसमें हम अपने जो प्रोडक्ट्स है वो भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी जो है एडवांटेजेस आ जाते हैं, इसकी कॉस्ट नहीं ज़्यादा बढ़ती, एक बार में हम कितने जनों को ईमेल्स कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस आते आते हैं इसके, कई बार वायरसेस हो जाते हैं, कई बार हमें कई लोग अनवांटेड ईमेल्स सेंड कर देते हैं जिसे हम स्पैम मेल्स कहते हैं, तो फ़िल्टर करने में बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, और मेल बॉक्स कई बार भर जाता है और हमें पता नहीं होता कि हमारे काम की ईमेल्स कौन सी और दूसरी कौन सी हैं। तो ये थी ईमेल और फैक्स। मेल सेकेंड पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।